आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का सचिज अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्लास 12 की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान। इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या किया जाता है, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये सब हम देखेंगे। तो जाइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। टर्म्स जो आपको जाननी चाहिए, पहला है पब्लिक सेक्टर। आखिर पब्लिक सेक्टर क्या होता है? सेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, पुलिस, आर्मी, रेलवे, वेर एवर यू गेट गवर्नमेंट जॉब्स। अब मैंने गवर्नमेंट जॉब्स क्यों डाला, इससे आपको ज्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ये याद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी कहते हैं ना भाई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो जिन जिन सेक्टर्स में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं और वो पब्लिक सेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर कंप्राइज्ड ऑफ फर्म्स ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक ट्रस्ट, एनजीओ एक्सेट्रा। अब देखिए जितनी फर्म्स है, रिलायंस है, टाटाज है, बिरलाज है आपके, और आपके आदित्य बिरला ग्रुप है, आइडिया जो फोन यूज करते हैं आप, कैमरा की कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये सब क्या प्राइवेट फर्म्स हैं, इनको प्राइवेट लोग ओन करते हैं। जैसे मेरी भी फर्म हो सकती है, आपकी कोई बिजनेस हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर है। जहां पर नॉर्मली हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कहीं इंजीनियरिंग की है आपने, तो किसी फर्म में बीपीओ की जॉब में लग गए आप, कहीं किसी ऐसे जगह पे लग गए, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। यानी कि उन्हें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ट्रस्ट या एनजीओ ओन करते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट पब्लिक, आपको समझ में आया, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सारा पब्लिक सेक्टर होता है और जो नॉर्मली इंडिविजुअल ओन करते हैं वो क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है। देन फिर आता है हमारा इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या है, द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्री इज मनी सप्लाई, कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज। अब जहां मनी सप्लाई की बात हो, जहां पूरी अर्थव्यवस्था चलती हो, क्योंकि इकोनॉमी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा। इकोनॉमी एक व्यवस्था है जिसमें हम पैसे का जिक्र करते हैं, पैसे को डिस्कस करते हैं, वहां कितना मनी आ रहा है, बाहर के देशों से आ रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, किस इंडस्ट्री में कितना उत्पादन हो रहा है, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारी वाणिज्य से रिलेटेड या कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, जहां पैसा कमाया जाता है, कहीं पर डिपॉजिट किया जाता है, अर्न किया जाता है, वो सारी क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज उद्योगों में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, उनको क्या कहते हैं, हम आपकी इकोनॉमी कहते हैं। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है जिसमें ये सब काम हो रहा है, ठीक है। देन दूसरा इसका इंग्लिश में मीनिंग आता है, केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, फ्यूल एक्सेट्रा, ट्राइंग टू सेव एंड नॉट वेस्ट समथिंग। जहां पे हम समय के बारे में सोचते हैं, भाई इकोनॉमी अपनाओ, इतना ज्यादा तुम स्पेंड मत करो, बी इकोनॉमिक, ठीक है, कहते हैं ना भाई ज्यादा खर्च मत करो या कोई चीज सेव करो, तरीके से यूज करो, सलीके से यूज करो, उसको भी हम इकोनॉमी वर्ड कहते हैं। इसको इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं इसको, सॉरी, और इसको हम इकोनॉमिक्स के सेंस में ज्यादा यूज करते हैं इकोनॉमी को, ठीक है। अब इकोनॉमिक वर्ड के भी मीनिंग्स हैं अलग अलग, कनेक्टेड विद सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक क्या है, जहां पे बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहे हो हम, मनी के पैसे के बारे में बात कर रहे हो, या किसी उद्योग के बारे में बात कर रहे हो, वहां जो भी फंक्शनिंग होती है, मतलब रिलेटेड टू मनी, यानी कि जहां पैसा कमा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं या कोई पैसा कमा रहा है, उसको इकोनॉमिक कहते हैं, रिलेटेड टू मनी, ओके। देन प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, अब दूसरा है इकोनॉमिक, प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, जॉब और वर्क्स विच गिव अस मनी। अब ये मैंने जो बताया, कुछ ऐसे कार्य जो हमें पैसा देते हैं वो इकोनॉमिक कार्य होते हैं। जैसे इकोनॉमिक और अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं, जैसे आप स्कूल गए, आपने टीचिंग की, आपको सैलरी मिल रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन मम्मी घर में काम कर रही है, पूरे दिन बेचारी काम करती है, रात तक आप उसे परेशान करते हैं मम्मी को, लेकिन उन्हें उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता, बस आप थोड़ा सा प्यार दे दें, इज्जत दे दें, वही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये अन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जो बिना पैसे की जाती है, धर्म के लिए, वेलफेयर के लिए, किसी की सहायता के लिए, प्यार के लिए, स्नेह के लिए, वो सारी एक्टिविटीज कैसी थी, अन इकोनॉमिक, उसके बदले पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है, सेक्टर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब मैंने बताया आपको, जैसे रेलवे है, कोल इंडिया है, बीईएमएल है, बीएचईएल है, बीएच भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, जितने भी आपके गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके
पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं, वो पहले बताया हमने। प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से हैं? सेक्टर्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कौन कौन से हैं? एग्जांपल रिलायंस है, टाटा, बजाज, आईसीआई, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे आपके हैं। ये रतन टाटा जी हैं आपके, ये मुकेश अंबानी जी हैं, जेफ बेजोस एंड आपके ये मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। देन व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? वही जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहलाता है, ऐसी व्यवस्था, ऐसी संरचना कहलाती है। इट आइडेंटिफाइज और टेल्स, क्या बताता है ये? हु विल ओन रिसोर्सेस, कौन स्वामित्व रखेगा जमीन का, लैंड का, रॉ मटेरियल किसके पास होंगे, मनी किसके पास होगा, ये सब चीजों का। मतलब मनी तो ऑफ कोर्स जो कमाता उसके पास होता है, जो उद्योग लगाता उसके पास होता है, व्यापार करता उसके पास होता है। तो लैंड किसके पास? किसानों के पास जमीन होती है, या बड़े बड़े जो पुराने रईस हैं उनके पास, जिनके पास जमीनें हैं उनके पास है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नॉर्मली या तो किसान देगा आपको, क्योंकि वो जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज है, एग्रोबेस्ड यानी कि वो उद्योग जो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि आपका डेयरी प्लांट्स हो गए, आपका केचप इंडस्ट्री हो गया, जितनी फूड इंडस्ट्री है वो एग्रोबेस्ड होती है। याद है घी की, डेयरी की, दूध की, मक्खन की, और जितने भी आपके स्नैक्स बनते हैं सब एग्रोबेस्ड है। पोटैटो चिप्स की, टमाटर से जो केचप बनता है उसकी, नूडल्स की, सबकी एग्रोबेस्ड आती है, क्योंकि ये क्या है, अभी एग्रीकल्चर पे बेस्ड, एग्रोबेस्ड हुई, ठीक है। फिर आपके रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से और आता है? आयरन और आता है, मिनरल्स ऑयल आता है, आपके जितने भी गैसेस वगैरह हैं ये सारे आपके धरती से ली जाती है। फिर डायमंड्स हैं, वो भी आपकी जमीन से निकलते हैं। आपके सोना है, वो भी कोलार माइंस, जो आप KGF देखते हो वो तो बहुत नॉलेज हो गया होगा आप लोगों को, तो कोलार माइंस का तो यश की मूवी है जो KGF 1 and 2, तो वहां देखा होगा कि सोना निकलता है खदानों से, तो सब चीजें खदान से निकलती है। तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ, किस किस के पास है, ये सिस्टम है इकोनॉमिक ऑर्डर का। देन व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड? अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा, दो तरह की वस्तुएं मतलब उत्पादित होती हैं, या तो ऐसी जिन्हें कोई उत्पादन नहीं करता, तो उन्हें कौन उत्पादन करता है? गवर्नमेंट उत्पादन करती है उनका, या उनमें कम मुनाफा हो, ठीक है। जैसे कि आपका ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब कौन निर्यात आयात जो भी करता है, वो कौन खरीद फरोख्त करता है? गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इतना महंगा होता है, इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि प्राइवेट लोग इसमें डील नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज बेचना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, बिजनेसमैन, जो बिके बाजार में, जिसके ज्यादा मुनाफा हो, जिसके ज्यादा पैसा मिले। लेकिन कुछ चीजों से पैसा नहीं मिलता, जैसे आदिवासी बच्चों को पढ़ाना, गांव गांव शहर शहर स्कूल खोलना, बीहड़ और बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में सड़कें बनाना, ये कौन करेगा भाई? क्यों करेगा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल? उसको कौन सा पैसा मिल रहा था? जहां पैसा नहीं वहां प्राइवेट लोग नहीं जाते। बिजनेसमैन मार्क जुकरबर्ग वहां थोड़ी सड़कें बनाने वाला है। या फिर आपका अंबानी जी के बारे में भी ये मैंने सुना है कि उनके, सुना क्या, देखा भी है, उनका जो एंटीला है बहुत बड़ा घर है, उसके सामने झुग्गी झोपड़ियां उन्होंने तो उनके लिए बना ली, कि गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट मुफ्त में घर बांटेगी, गवर्नमेंट मुफ्त में सड़कें बनवाएगी, गवर्नमेंट मुफ्त में बहुत सारे कार्य करती है। तो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, जो गरीबों का है, या ऐसी जगह जहां पे प्राइवेट सेक्टर अपना कदम रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुनाफा नहीं है वहां, प्रॉफिट नहीं है उन लोगों को, काम ही नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वहां काम करती है, ठीक है। अब व्हाट गुड सर्विसेज फ्रीली प्रोड्यूस, तो ये देखा जाएगा लोगों की जरूरतों के ऊपर। अब हमारा देश मान लीजिए गरीब है, ठीक है, बहुत सालों तक, 200 साल तक हमने पिछले चैप्टर पढ़ा के लूटा हमारे देश को, यहाँ सड़कों की भी जरूरत है, यहाँ ऑफिस की जरूरत है, यहाँ स्कूलों की जरूरत है, यहाँ वृद्धाश्रम की जरूरत है, यहाँ ओल्ड एज होम्स की जरूरत है, जो वृद्धाश्रम मैंने बताया आपको, विधवाश्रम की जरूरत है, और चाइल्ड केयर की पता नहीं कितनी जरूरतें हैं। हालांकि हर देश में होती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ज्यादा है, क्योंकि 200 साल तक लूटने पिटने के बाद ना कोई भी देश कंगाल हो सकता है। तो हमें 70-75 साल लगे हैं इसको, और अभी भी हम बहुत ज्यादा बिजली पानी की सुविधाओं से जूझ रहे हैं। तो बिजली पानी मुफ्त में कोई नहीं बांटने वाला, और मुफ्त में भी नहीं बांटती सरकार भी, लेकिन वो सब्सिडाइज रेट पर देती है। देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, सरकारी हॉस्पिटल्स में नॉर्मली जब आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो एलोपैथिक डॉक्टर बैठते हैं अंग्रेजी दवाइयों के, वहां पे 5 रुपए की पर्ची कटती है। 5 रुपए की पर्ची कटने के बाद आपको वहां दवाई भी मिलेगी, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको देखते हैं किसके लिए है, ये जो गरीब लोग हैं, आप भी जाके दिखा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। तो सब्सिडाइज रेट पे मेडिसिन मिलती है, आयुर्वेदिक मिलती है, अंग्रेजी दवाइयां, तो वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। वही हमारे जरूरतें डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सा उत्पादन करना है अपने देश में, ठीक है।
Who will get profits of production? अब profit मुनाफा किसको मिलेगा? ये भी economic system में बताया जाता है. Then who will buy them? कौन खरीदेगा भाई उन्हें? अब गरीब तो खरीदने से रहे, तो जब खरीदने की कैपेसिटी जिन लोगों में नहीं होती उन लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता ना ही उत्पादन करता. तो वो किसके लिए बनाता है चीजें? प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखिएगा, उनके लिए बनाता है वो चीजें जो बिक सकती हैं बाजार में और लोग जिन्हें खरीद सकते हैं. जिन चीजों को लोग खरीद नहीं सकते, जो मुफ्त में देनी पड़ सकती हैं, वो गवर्नमेंट ही बना सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, याद रखिएगा. हु विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स, और किसको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा? तो गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, लेकिन बिजनेस जब करना हो, हार्डकोर बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो वहां पे देखा जाता है कि मुनाफा किसको मिल रहा है. देखिए, दो तरह के मुनाफे हैं, मनी टर्म्स में मुनाफा और वेलफेयर टर्म्स में मुनाफा. गवर्नमेंट वहां काम करती है जहां वेलफेयर, लोगों का भला ज्यादा हो, लोगों की तरक्की ज्यादा हो, देश की तरक्की ज्यादा हो. प्राइवेट सेक्टर वहां ज्यादा काम करती है जहां पे मुनाफा ज्यादा, यानी प्रॉफिट, पैसा, रोकड़ा कितना आने वाला है, राइट? नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पहला आता है. मेथड और वे बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ऑफ द सिस्टम. कौन से मेथड से प्रोड्यूस करेंगे? लेबर इंटेंसिव से करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव से करेंगे? देखिए, सबसे अच्छा मेथड वो होता है जो देश के लोगों को रोजगार दे और आपकी प्रोडक्शन भी कर दे. ठीक है, देश को देखना पड़ता है. आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. इट टेल्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड. मैंने अभी आपको बताया, वेलफेयर गुड्स बनाएंगे या कमर्शियल गुड्स बनाएंगे जो बाजार में बिकती हों, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर डिसाइड कर लेते हैं. सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इट टेल्स हु गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट और रिवॉर्ड्स सच एज वेजेस फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन. अब देखिए, अब रिवॉर्ड किस किस को मिलेंगे? वेजेस जो मिलेंगे लेबर को, कितनी वेजेस मिलनी चाहिए इसकी? लेबर जो वेज एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट होती है हर देश में. रेंट फॉर लैंड, रेंट जो है जमीन का लगान किसको मिलने वाला है, अब कितना मिलने वाला है? इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को मिलेगा वो किस तरह मिलेगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे हमारे होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस इन एन इकोनॉमी. फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस समझिए पहले. फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या होता है कि अगर किसी चीज के दाम बढ़ गए, जहां मतलब सप्लाई डिमांड प्राइस पे आधारित हो, उसे फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस कहते हैं. जैसे अगर किसी चीज के दाम बढ़े तो लोग सारे के सारे उसे उत्पादन करने के लिए दौड़ने लगे. जैसे कि व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और 7, उस समय प्याज इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी. आज 250 रुपए किलो प्याज हो जाए तब भी महंगी लगती है, लेकिन व्हेन आई वाज, सोचिए मैं पुरातन विभाग की महिला हूं, मेरे समय में अगर 250 रुपए किलो प्याज हुई तो प्याज पे देखो भाई वो सीरियल बन गए, नाटक बने, बहुत सारे नाटक कहते थे उस समय हम लोग, गाने बने, कविताएं बनी प्याज की महंगाई के ऊपर, क्योंकि 250 रुपए किलो मतलब कुछ कुछ लोगों की तो सैलरी 250 रुपए किलो थी, राइट? तो उस समय भरता बड़ा इनफेमस हुआ कि भैया भरता मत बनाओ, प्याज बहुत महंगी हो गई है. ठीक है, तो यहां क्या समझ में आता? लेकिन उससे अगला सुनिए वाक्य कि अगले साल प्याज इतनी महंगी हो गई, सॉरी अगले साल प्याज इतनी ज्यादा उत्पादन की गई कि बाजार में प्याज मतलब 1 रुपया की 2 किलो मिलने लगी. मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हाल था कि 2 रुपए की 10 किलो भी प्याज बिकी, यानी कि इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ गया. तो इसका समझ में क्या आया आपको कि जब किसी चीज के दाम बाजार में बढ़ जाते हैं तो सारे के सारे बिजनेसमैन या किसान या जो भी उसे उत्पादन करते हैं, जो डील करते हैं, वो सोचते हैं भैया ये उत्पादन कर लो, ये ज्यादा बिकेगा. ठीक है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में हमेशा से होता है, जो चीज महंगी बिकने लग जाए सब लोग उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, भाई ये कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये बहुत मुनाफे वाला बिजनेस है. जैसे रेस्टोरेंट बीच में खुले, सबने येलो चिली, रेड चिली या पता नहीं कौन कौन से चिली खोल डाले संजीव कपूर की येलो चिली के ऊपर. ठीक है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत चला, लेकिन आपको भी पता स्टार्टअप्स बहुत फेल हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? ये लोग बिना सोचे समझे, एक को मुनाफा हो गया तो 10 उसके पीछे भीड़ सी दौड़ जाएगी कि हाँ भाई सबको मुनाफा इसमें ही होने वाला, यही कर लो. तो क्या है, ऐसे मार्केट फोर्सेस जब बाजार में चलते हैं आपके, तो उसे कहते हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. यानी गवर्नमेंट को रोक टोक नहीं लगा रही आप पे, जो करना करो, जहां आपको मुनाफा दिख रहा है कर लो. तो यहां पे क्या है, फ्री प्ले है. अच्छा, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल मार्केट फोर्सेस और लीव देम फ्री. अब यहां पे क्या है मेन पॉइंट, गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल भी कर सकती है और इन्हें फ्री भी छोड़ सकती है मार्केट फोर्सेस को. कौन सा मार्केट फोर्सेस? डिमांड, सप्लाई, प्राइस.
ये सारे फोर्सेस को फ्री छोड़ दिया. देन एज पर द कंडीशंस ऑफ मार्केट, मार्केट के हिसाब से विच लीड्स टू थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स. जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, उसकी मतलब ना अनुकूल उसका उसका जो इंटरवेंशन है, ठीक है, वो डिसिप्लिन करती है, या वो अगर वहां कर रही है कि हाँ भाई मैं ये इसको कंट्रोल करूंगी तो अलग टाइप की इकोनॉमी हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल नहीं करती तो अलग इकोनॉमी हो जाएगी, और थोड़ा सा कंट्रोल करेगी थोड़ा सा नहीं करेगी जो हम देखेंगे अभी, तो कुछ और इकोनॉमी हो जाएगी. तो इस गवर्नमेंट के खेल पर, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप पर, इंटरवेंशन पर कौन कौन से वो होते हैं, क्या इकोनॉमी देखिए. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिलेटेड टू कैपिटल जनरेशन. आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, आगे हम और डिस्कस करेंगे. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट लगभग ना के बराबर हस्तक्षेप करती है, इंटरवेंशन नहीं करती, इंटरवीन नहीं करती. क्यों नहीं करती? अपना हाथ नहीं घुसाती, मतलब दिमाग नहीं लगाती, ना ही कंट्रोल करती. कंट्रोल इसका बहुत कम होता है कैपिटलिस्ट, मतलब ना के बराबर. जैसे अमेरिका में कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेसमैन जो चाहे कर रहे हैं, जो चीज बिक रही है वो बहुत ज्यादा मतलब उत्पादन हो रही है, इस तरह से उसको कहते हैं रिलेटेड टू कैपिटल जनरेशन. यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है, यहाँ कोई वेलफेयर वेलफेयर का चक्कर नहीं है. कोई ऐसी बीमारी नहीं होती बिजनेसमैन को कि भाई हम वेलफेयर में कुछ खाना बांट दें, लोगों के लिए स्कूल बना दें, सड़कें बना दें, कुछ नहीं होना, वो सब गवर्नमेंट का काम है. सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी वहां होती है जहां पर सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है. यानी कि यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट का लगभग फुल कंट्रोल होता है, क्या उत्पादन होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, किसको दिया जाएगा, सब कुछ आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. यानी कि मतलब यहां गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, यहां गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है लगभग. मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी संरचना होती है, ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर है जहां पर गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स में कंट्रोल करती है, कुछ को खुला छोड़ देती है, फ्री एकदम, वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं है उसका, कोई इंटरवेंशन नहीं है. कैसे? जैसे इंडिया में है, इंडिया में रेलवेज हुए, आपके डिफेंस सेक्टर हो गया, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, ये सब किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में है. कुछ हैवी जो इंडस्ट्रीज हैं, नवरत्नास हैं इंडिया के, वो सब किसने? गवर्नमेंट के सेक्टर के अंडर है. पब्लिक एजुकेशन वगैरह भी है, पुलिस है, लेकिन कुछ सेक्टर जैसे FMCG है, FMCG ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिस्किट हुई, चाय हुई, तेल हुआ, आपका नमक हुआ, आपके चॉकलेट्स हो गए, कुरकुरे, टकाटक वगैरह तक सब कुछ इसमें आ जाता है. मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए यूज नहीं होती है, जिनसे देश का कुछ टैंक नहीं हमारे पर कोई डाल देने वाला है, डिफेंस में कोई दिक्कत नहीं होने, एयरक्राफ्ट का कुछ नहीं, तो मसला ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें जो छोटी नॉर्मल चीजें हैं, घरेलू कपड़ा लत्ता सब कुछ किस पे छोड़ा गया? प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया, जहां मुनाफा कमाने की ज्यादा संभावना होती है वो प्राइवेट. यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है आपका, कुछ सेक्टर्स पे कंट्रोल करती है, कुछ को खुला छोड़ देती है. शायद समझ में आ गया होगा. देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या, इट इज ऑल्सो, अब शुरू करते हैं डिटेल में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म किस लिए? कैपिटल से निकला, कैपिटलिज्म यानी कि यहां पे पैसा, कैपिटल यानी मनी, पैसा, मशीनरी, एसेट्स, ये सब मीनिंग होता है कैपिटल का, क्योंकि प्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं हम इसको. तो कैपिटलिज्म कहां, जहां पैसा कमा जाए. कैपिटल वर्ड से याद रखना पैसा, ठीक है? तो जहां सिर्फ पैसे की बात हो, जहां वो चीजें बनाई जाए जो ज्यादा बाजार में बिकती हो, जिनकी डिमांड ज्यादा हो, वही बनाते हैं बिजनेसमैन, तो वो क्या है? कैपिटलिज्म है. मार्केट इकोनॉमी यानी मार्केट फोर्सेस यहां पूरी तरह से ताकतवर हैं. यहां गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया मार्केट फोर्सेस को, समझ याद रहेगा. नेक्स्ट, इट इज मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये तो समझ में आएगा. कैपिटल तो मनी है भैया, मनी ओरिएंटेड है मतलब पैसे के पीछे मामले हैं. इट टारगेट्स ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ही तो चाहिए उन लोगों को. जैसे मैंने बताया प्याज का एग्जांपल, जिस चीज में मुनाफा दौड़ पड़ो उसके पीछे. तो ये चीज है कि जो चीज बाजार में बिक रही है वही बनेगी, वही लोग में ज्यादा डील करेंगे. Then it produces what sells more in market and does not work for welfare. ये तो statement है, notes की तरह आप इसे use कर लेना, slides के screenshot ले लो, इन्हें पढ़ के आप आराम से exam दे सकते हैं. For example, America, that is United States of America, has private economy and its business are run, its businesses are run by private businessmen who basically target profits. Government in USA just looks after the law and order, defense of the country. वहां की गवर्नमेंट बिजनेस बिजनेस नहीं देखती, ना ही कोई हस्तक्षेप करती, ना ही किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती. कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है वहां, कोई लॉ लॉ नहीं बनाए प्राइवेट सेक्टर के लिए. सब चाहे जो चाहे करो, जैसा चाहे बनाओ, लोगों को जो चाहे खिलाओ, पर बेच लो अपना माल और पैसा कमा लो.
टाइप सिचुएशन है। वहां की गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है, पुलिस हो गए, आपका डिफेंस हो गया, ये सब देखती है, बाकी कुछ नहीं देखती। वो बिजनेस में कोई हस्तक्षेप नहीं है। देन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगेन डिटेल नोट्स टाइप के आपके चल रहे हैं, फीचर्स पूछे जाए तो आप फीचर्स लिख सकते हैं। जिस है नोट्स की आपको एग्जाम में इतना लिखोगे आराम से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट ओनरशिप है मैंने पहले ही बताया, इंडिविजुअल्स करते हैं, गवर्नमेंट यहां कुछ नहीं करती, तो गवर्नमेंट यहां प्रोड्यूस नहीं करती। प्राइवेट जो बिजनेस है, सब लोग जो सारी बिजनेस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, यानी उनके ही होते हैं, गवर्नमेंट का कोई बिजनेस वेंचर नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उसकी फर्म नहीं। प्रोडक्शन इज डन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये तो समझ में आ गया होगा अब तो आप लोगों को। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच give highest profits and can be sold in domestic and foreign countries, exported to earn profits. मतलब अपने देश में बिकता रहे माल वो बनाएंगे, बाकी जो एक्सपोर्ट करना है वो बनाएंगे, मतलब जिसमें मुनाफा हो बिजनेसमैन वो काम करते हैं। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर और मनी इन पॉकेट्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो थोड़ा अंतर है यहाँ पे, देखो सेट स्टेटमेंट, यहाँ गुड्स उन्हीं को दी जाती है जिनके अंदर परचेजिंग पावर है, यानी कि समझो इसका मीनिंग, मेरे पास पैसा है तो मैं आइसक्रीम खरीद सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा है तो मैं पढ़ने जा सकती हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर या अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जा सकती हूँ, या खाना भी उन्हें मिलेगा जिनके पास पैसा है, घर भी उन्हें मिलेगा जिनके पास पैसा है। यानी कि ये सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए बनाते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर जिनके मनी है पॉकेट में, परचेजिंग पावर उसे कहते हैं, मतलब जितना आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद बचता है पैसा, वो आपकी परचेजिंग पावर होती है। यानी कि मेरे पास अगर 20,000 रुपए या 30,000 रुपए पर मंथ मैं खर्च कर सकती हूँ, वो मेरी परचेजिंग पावर है, राइट। तो परचेजिंग पावर जितनी जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए वो उतना अच्छा माल बनाएगी, उतना अच्छा माल उसे मिल जाएगा, ये मीनिंग है यहाँ पर। गवर्नमेंट ओनली कंट्रोल्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, ये बताई थी आपको, आर्म फोर्सेस, गार्ड, बॉर्डर्स, देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब इसके मेरिट्स क्या, डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स देखिए, प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देती है, जैसे कि जेफ बेजोस है या जितने भी आपके मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, या हम ही कोई इंडिविजुअल हो, हमारा इंटरेस्ट है इसमें, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश का कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, बस मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट। देन मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स एंड इंक्रीजेस वेल्थ ऑफ कंट्री। लेकिन यस, आपका प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है, आप जिस देश में काम करते हैं तो वहां आपकी वेल्थ जो है इंक्रीज हो रही है, आपके देश की वेल्थ उसके साथ इंक्रीज हो रही है। क्यों, वेल्थ क्या, देश की जीडीपी क्या है, जितने भी इंडिविजुअल्स आपके उस देश में रहते हैं, जितनी कमाई करते हैं वो उसकी वेल्थ में चली जाती है, जीडीपी में जाती है। इंक्रीज जीडीपी, पहले बताया वेल्थ इंक्रीज हुई जीडीपी अपने आप इंक्रीज होगी। व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी जो होती है आपकी जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं उनका फ्लो होता है, जितने भी देश में आपके गुड्स और सर्विसेज उत्पादन होते हैं एक साल में उसको जीडीपी कहते हैं, और वो हमारी जब बढ़ती है, जब हमारी वेल्थ बढ़ती है। द डीमेरिट्स, इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी पूरा सोसाइटी का इंटरेस्ट, जिसमें पूरे देश का इंटरेस्ट, जिसमें इसमें उसको कोई लेना देना नहीं है, अपना मेरा पेट भर गया मुझे किसी से मतलब नहीं टाइप सिचुएशन है, ठीक है। Then, goods which do not give profits are not produced, जिनमें प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, कोई इनमें हाथ डालना पसंद नहीं करता। पुअर पीपल सफर एंड रिच बिकम रिचर, गरीब है उनको देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, वो बेचारे एजुकेशन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, उनको खाना नहीं मिल रहा कोई मतलब नहीं, किसी को गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, कोई भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। पुअर पीपल सफर एंड रिच बिकम रिचर, लोग अमीर और अमीर होते जाते, जो ज्यादा जितना मुनाफा कमा सके वो उतना अमीर हो जाएगा, उसी का भला होने वाला। नो सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस नहीं होता कैपिटलिज्म में। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशलिज्म और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म और कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म सोसाइटी वर्ड से निकला है, जहां सोशल हो, जो एक दूसरे का दुख सुख बांटा जाए, जो गवर्नमेंट भागीदार है आपकी परेशानियों में, वो क्या है, सोशलिज्म है। याद रखिए, सोशल से बना सोशलिज्म, यानी सबका भला में गवर्नमेंट अपना भला सोचती है, लोगों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करती है, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है। जैसे कोरोना के टाइम पर हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई गई, इनफैक्ट जो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो आपकी एक्ट है,
वो उसने लोगों को रोजगार प्रदान किया, घर बैठे वहीं तक गई जो सुविधाएं थी वहां रोजगार मिला, उनको पैसे बांटे गए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है। यहाँ वृद्ध पेंशन है, आपकी ओल्ड एज पेंशन है, यहाँ विडो पेंशन है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंडिया में अभी इस पटरी पर नहीं आई, लेकिन स्कीम्स हैं, कोई उनका फायदा उठा सके तो उठा भी लेता है। बहुत सारी मैंने खुद देखा है, बहुत सारी जो ओल्ड लेडीज उनको पेंशन मिल रही है, हालांकि बहुत मिनिमल अमाउंट मिलता है बट फिर भी मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है सोशल होती है, यहाँ समाज के बारे में सोचती है, पूरा सबका भला सोचती है और वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। कंट्रोल्ड किस लिए है? देखिए, जब लोग पैसे के पीछे ज्यादा भागना शुरू करते हैं तो वो कुछ भी बनाते हैं। जैसे यहाँ फूड स्टैंडर्ड्स के लिए आपका फसाई है, आपका ISI मार्क्स है आपके, जैसे प्रेस है, ठीक है, प्रेस से आपकी खराब है तो आप जाकर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अपना जो भी नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज्यादा भी ले लेते हैं कई बार, जो आपको परेशानी हुई है केस करने में, ये सब चीजें हैं। यानी गवर्नमेंट का यहाँ कंट्रोल है, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है कि कितने प्राइस बढ़ा दिए। जैसे कि कोई कमोडिटी आपने बढ़ाई बनाई तो आप उसके प्राइस ऐसे नहीं कि आसमान छूते हुए रख ले, कितने भी रख लोगे आप, गवर्नमेंट देखती है कि किसका प्राइस कितना है, एक्सपायरी चीज तो नहीं बेच रहे हैं, एक्सपायर्ड चीज तो नहीं बेच रहे, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजों के लिए कंट्रोल है। बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह हैं, बिजनेस के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं इंडिया में, तो ये देखे जाते हैं। मतलब जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वो सब कुछ देखती है। ये मार्केट फोर्सेस आर नॉट फ्री, यहाँ मार्केट फोर्सेस फ्री नहीं है कि भैया पैसा जिसमें ज्यादा मिला कितना भी उत्पादन कर लो, आपको रिसोर्सेस मिलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कितने भी रिसोर्सेस कहीं से भी ले लिया आपने जो चाहा बना लिया, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जैसे चाइना में है आपका, ठीक है, चाइना में ऐसा है कि आप अपने मन चाहे से कुछ नहीं कर सकते। अलीबाबा के जो ओनर थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, आपको पता होगा, थोड़ा रिपोर्ट उठा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉलो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। अब यहाँ सोशलिस्ट मार्केट क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, देखिए जब खाली गवर्नमेंट सारा काम करती है ना और कोई प्रॉफिट के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं होती जहां से पैसा ना आए तो देश की GDP घटने लग जाती है। तो चाइना ने और सोवियत यूनियन जहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने क्या किया, कुछ बिजनेसेस खड़े किए, कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया है ताकि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्ड मैनर में अपना काम कर सके, मुनाफा कमाए और GDP भी बढ़ाए। तो यहां क्या हुआ है, सोशलिज्म के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कैपिटलिज्म यहां पे आने लग गई है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी आ रही है ताकि मुनाफा भी बढ़े। ऐसा ना हो कि सब भला भला करते करते गवर्नमेंट के खजाने खाली हो जाएं, फॉरेन एक्सचेंज ना बचे, कोई बिजनेस ना बचे, कोई एक्सपोर्ट ढंग से ना हो पाए, क्योंकि भूख जो पैसा कमाने की होती है ना बच्चों वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है, गवर्नमेंट में नहीं होती। जैसे हमारे देश में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका प्राइवेटाइजेशन अभी हो रहा है, सिख इंडस्ट्रीज बन गई गवर्नमेंट सेक्टर में। देखो सिंपल सी बात याद रखना, आज के जमाने में जब गवर्नमेंट जॉब के लोग सोचते हैं तो आराम की नौकरी होती है, किसी से भी सुन लो गवर्नमेंट जॉब की, रिलैक्स रहते हैं, सिक्योरिटी है, ये है वो है। गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, गांव में जाइए आप, मैंने यहाँ देखा, मेरा मैसेज अगर पहुंचा सके तो आप पहुंचाइए सब तक कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अगर ढंग से हो जाए तो हिंदुस्तान के बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल। वहां पैसे इतने ज्यादा मिलते हैं सरकारी टीचर्स को लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हो रही, वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्यों, वहां पढ़ाई होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से कार्य किया जाएगा, द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैव हैवी इंटरवेंशन इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज फिर भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सोशलिज्म में, वहां पर हैवी इंटरवेंशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा दखल होता है, दखलंदाजी बहुत होती है आपकी गवर्नमेंट की वहां पर। देन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट इन अ कलेक्टिव मैनर। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी पर, रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट इज, अब आते फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी पे, रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट इन अ कलेक्टिव मैनर। रिसोर्सेस सबके हैं, लोग भागीदार हैं, समाज के हैं, पूरे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत कम दखलंदाजी कर पाता है या उसकी प्रेजेंस बहुत कम होती है। एब्सेंस और लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर,
ओनरशिप, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगी, प्रोडक्शन भी देखेगी, जो रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ लगेंगे, क्या क्या प्रोड्यूस होगा वो भी देखेगी, और जो माल बना है वो किस किस को जाएगा, किस किस तबके में बटेगा, किन किन लोगों को जाएगा, वो भी सब डिसाइड करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन सब कुछ देखती है। गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की सर्वे सर्वा होती है, उसी की पूरी चलती है वहां पर। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैरिट्स क्या है, इट एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी फॉर एवरीवन, मतलब सबको अधिकार मिलते हैं, एजुकेशन मिलता है, खाना पीना सब मिलता है, जो गरीब है उसको मिला, जो जिस लायक है वो काम करेगा और उसके हिसाब से उसे वहां पे जो मानदेय है, जो सैलरी है, जो वेजेस है वो सब मिलेंगे, सब खुशहाल होंगे। इक्विटी बहुत है, इट इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। यहाँ पे सामाजिक जो न्याय है वो बहुत होता है, समाज में सब लोगों को न्याय मिलता है, कोई ऐसा नहीं भूखा मर रहा है, कोई एजुकेशन के बिना वहां है ऐसा नहीं होता। जैसे चाइना में बहुत अच्छा एजुकेशन है लोगों का, चाइना में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, वहाँ स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं, खाना वाना भी वहाँ मिलता है, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, कुंफू की ले लो या जो कराटे है, टाइक्वांडो है, या फिर जो फिजिकल एजुकेशन है आपकी, वैसी एजुकेशन है वो सब दी जाती है। अटेंस फास्ट ग्रोथ, और फास्ट ग्रोथ होती है चाइना, इसलिए वर्ल्ड में मतलब टॉप पोजिशन पे इकोनॉमी में आती है उसकी। डीमेरिट्स, स्लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी ओनिंग टू लैक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे पैसे के पीछे लोग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कम है तो पैसे के लिए ज्यादा काम नहीं होते हैं, वेलफेयर के लिए ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसे का इनिशिएटिव है, पैसा कमाना जो है थोड़ा पीछे रह जाता है, ठीक है। आप मुनाफे के लिए अगर चीजें नहीं की जाती हैं तो जीडीपी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जैसे अभी चाइना के साथ थोड़ा हो रहा है। हालांकि चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तारीफ कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन यहाँ पे देशभक्ति काम नहीं आएगी। यहाँ पे वाकई जो चीज हम बहुत महंगी बनाते हैं वो बहुत सस्ती है, बहुत मेहनती मेहनत करके वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं हिंदुस्तान में भी सभी लोगों से कहूंगी, बहुत मेहनत करें, पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा। हालांकि चीनी हमारे लिए, चाइनीज अच्छे नहीं है, लेकिन अपने लिए बहुत अच्छे हैं वो लोग। हमारे तो दुश्मन है, ऑफकोर्स आई डोंट लाइक देम, बट द थिंग इज के वो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लो ग्रोथ रेट फोर्स सोशलिस्ट इकोनॉमीज। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। मैरिट्स, इट एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी फॉर एवरीवन, सबका भला होता है, यहाँ पे कोई भूखा नहीं है, कोई बिना कपड़े के नहीं होता, कोई एजुकेशन के बिना नहीं है, सबको जिस लायक जो है उसको काम मिलता है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, और सब हिसाब से काम करते हैं, और गवर्नमेंट सबकी देखभाल करती है। इट इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, यहाँ सामाजिक न्याय पर है ये, यहाँ सबका भला होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, इनजस्टिस नहीं होता है। अटेंस फास्ट ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ होती है इसकी, जिससे चाइना ने बहुत तेजी से ग्रो किया सोशलिस्ट इकोनॉमी में, आपके जो सोवियत यूनियन ने बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है, यहाँ तक कि इंडिया को आज तक वह हेल्प करता है, ठीक है। और चाइना के पास तो इतना टाइम है कि वो श्रीलंका के पास कॉरिडोर बना लेगा, फिर जाके पाकिस्तान के पास भी एक ट्रेड कॉरिडोर बना लेगा, मतलब दूसरे देशों को भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान को घेरा कर सके, उसके साथ लड़ाई कर सके और कुछ भी कर सके। तो चाइना के पास इतना ज्यादा एसेट्स और पैसा है सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से ही। डीमेरिट्स, स्लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी। कई बार होता क्या है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना मोटिव होने के वजह से, प्राइवेट सेक्टर ना होने से जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है कि लोगों का ज्यादा भला कर रही होती है, सोसाइटी के लिए ज्यादा काम कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है ये प्रॉफिट मोटिव उसके साथ में। फॉर एग्जाम्पल, स्लो ग्रोथ रेट पोस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमीज लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना टू स्विच टू सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती है, सोशलिस्ट यानी कि जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो, जो सोशल वेलफेयर पर, यानी कि बेसिक पर्पस इसका आपका सोशल वेलफेयर ही है आज भी, और मुनाफा कमाना नहीं है। लेकिन क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, इसलिए कुछ सेक्टर्स में ये क्या करती है, सेकेंडरी रूप में कुछ फर्म्स को थोड़ा बढ़ावा देती है, बिजनेस को बढ़ावा देती है प्राइवेट सेक्टर को, और वो चाहती है लोग मुनाफा कमाए। तो यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड रूप में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा अमेरिका की तरह नहीं होता। जैसे चाइना में और सोवियत यूनियन में प्राइवेट सेक्टर आ चुका है, लेकिन वो लिमिटेड प्रेजेंस है, ज्यादा नहीं फर्म्स हैं वहां पे, कुछ लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत हैवी लाइसेंसिंग है, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, या इसको सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, कौन सी है, जो बेसिकली है तो सोशलिज्म पे आधारित, लेकिन कुछ
कुछ सेक्टर्स में उन्होंने अब प्राइवेट सेक्टर को लाना शुरू कर दिया है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स हैव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अब तक तो बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा कि सोशलिज्म कौन सा, जहां गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, कैपिटलिज्म कौन सा, जहां खाली बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, और मिक्स कौन सी है, दोनों का मेल जुलाव, मिला जुला रूप, सोशलिज्म का भी कैपिटलिज्म का भी। यहाँ इसका मतलब है दोनों ही पावरफुल है। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट पावरफुल है, कुछ सेक्टर्स में आपका प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है, वो पावरफुल है। यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव मच इंपॉर्टेंस सच एज सोप्स, डिटर्जेंट्स, व्हीकल्स, कार्स, स्कूटर्स एक्सेट्रा एंड अदर आइटम्स ऑफ डेली यूज फॉर पीपल विच डू नॉट हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जिनका देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सेक्टर्स किसको दे दिए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर दे दिए जाते हैं। ठीक है, आर गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। देन सेक्टर्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री सच एज डिफेंस, रेलवे, कोल माइंस, मिनरल्स, जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, मतलब अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले तो बर्बाद हो जाएंगे, या फिर देश की जो व्यवस्था चरमरा जाएगी, या देश का जो बेस होता है, डिफेंस देश का बेस है, रेलवे लाइफ लाइन है हमारे देश की, गरीबों के लिए मतलब सस्ते आवागमन है, कम्युनिकेशन बहुत सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है रेलवे में देखा जाए तो, अगर तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? मिनरल्स, माइंस, कोल माइंस को कंट्रोल करती है, मिनरल्स जो खनिज पदार्थ है आपके वो सब कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि ये सब देश का बेस है, आधार है। अगर इनमें दिक्कत हो गई, प्राइवेट सेक्टर ने इनमें गड़बड़ कर दी ना, मुनाफे के चक्कर में, पैसा पैसा के चक्कर में, तो हमारे देश की स्थिति बिगड़ सकती है, हम देश किसी और देश के कंट्रोल में आ सकते हैं, कोई हम पे इन्वेड कर सकता है, हमला कर सकता है। तो ये सब सेक्टर्स किसके अंडर में है? अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंडर में है। और विच डू नॉट लीड टू मोर प्रॉफिट्स आर टेकन अप बाय पब्लिक सेक्टर। और दूसरा कारण ये भी है, एक तो हो गया स्ट्रेटेजिक पर्पस, देश की सुरक्षा हो गई, शांति हो गई, व्यवस्था हो गई, और जहां का रीजनल बैलेंस हो गया। और दूसरा क्या है, विच डू नॉट पब्लिक सेक्टर डू नॉट टेक। अब कुछ ऐसे सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर लेता, प्राइवेट सेक्टर लेता भी नहीं है, जहां मुनाफा नहीं है प्राइवेट सेक्टर क्यों लेगा? मैंने पहले आपको क्लियर किया था, प्राइवेट सेक्टर यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे अंबानी हुए, रतन टाटा जी, तो खैर बहुत फिलंथ्रोपिक पर्सन है, वो तो बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है, यूनिलीवर है, ये सब थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के लिए पूरा काम ही करना शुरू कर दें, गरीबों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, तो यहाँ ये लोग ऐसे बिजनेसेस में आते भी नहीं है। ठीक है, Now India is turning more into capitalist economy with more and more privatization of public sector firms and free play of market forces. अब इंडिया क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके कैपिटलिज्म की तरफ मूव करता चला जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत सारी इसकी जो फर्म्स हैं वो कैपिटलिस्ट होती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अमेरिका बनना चाहता है थोड़े दिनों में, तो इसकी ये चल रही है पॉलिसी। The features of mixed economy, means of production are owned by private owners and government. दोनों sectors, दोनों private और government own करते हैं resources of mixed economy में, कहीं कुछ ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है, दोनों का balance बनता है। Private owners produce to earn maximum profit like Reliance, Tata, Aditya Birla Group etc. in India. Private owners profit कमाना चाहते हैं। Government produces for social welfare, वो social welfare के लिए काम करती है। Railways in India charge less price for tickets. That government hospitals and schools provide food and education for social welfare, cylinders and subsidized petrol and diesel. यहाँ जो देश की जो आधारभूत चीजें हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो मार्केट जहां मुनाफा ज्यादा है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जहां पैसा ज्यादा है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है, ताकि वो खुशी खुशी काम कर सके, देश की जीडीपी बढ़ा सके। मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मैरिट्स क्या है इसके? लीड्स टू मोर प्रॉफिट एंड मोर सोशल वेलफेयर। अब इसमें क्या है, दोनों ही प्रेजेंट है, प्रॉफिट भी कमाया जाएगा और भैया सोशल वेलफेयर भी हो जाएगा, तो ये एक अच्छा सिस्टम माना जाता है। इसी वजह से देखो चाइना और सोवियत यूनियन भी कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, तो अब इंडिया ने शुरू में ये कर दिया था, भैया आधे सेक्टर, कुछ सेक्टर पब्लिक के पास, सेक्टर के पास कुछ आपके प्राइवेट लोगों को दे दिए जाएंगे। देन हाई जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ भी हाई होती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड नो वेस्टेज, रिसोर्सेज ढंग से यूज हो जाते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर है वो जगह काम कर देगा प्रॉफिट है, गवर्नमेंट अपने काम कर देगा सोशल वेलफेयर, तो रिसोर्सेज सारे जो संसाधन है हमारे देश में, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेबर है, कैपिटल है, सब कुछ ढंग से यूज होता है।
then more employment opportunities than private sector, as government generates employment for poor and backward. Also, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or MNREGA in India during COVID-19. जैसे COVID-19 में MNREGA ने काम किया. देखिए यहाँ पे employment भी ज्यादा generate होता है private sector से. क्यों? प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ उन लोगों के लिए जॉब जनरेट करता है जो वहां काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा काम कर सकें, और जहां पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है. अब मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज शहरों में लोकेटेड है, अब गांव में तो जा नहीं रहे वो लोग, तो गांव के लोगों को रोजगार कौन देगा? तो वो काम करती है भारत सरकार, भारत की सरकार करती है और वहां रोजगार प्रदान करती है. बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हमारे देश में चलाई जाती है जहां उन लोगों को रोजगार मिलता है, और वहां का डेवलपमेंट किसका जिम्मा है? गवर्नमेंट का जिम्मा है. डीमेरिट्स क्या है? इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं. क्या है? हाई करप्शन, वो तो आप सबको पता है, आप सब परेशान रहते हैं कि भाई करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है. तो जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ करप्शन काफी हो जाता है, क्योंकि सब चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, सब चाहते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उनका मुनाफा मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए. तो सब लोग थोड़ा बहुत रिश्वत देने के चक्कर में रहते हैं, भाई हमारा भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारा भला, हमारा भला करते करते हम ब्लैक मनी की तरफ बढ़ते हैं और रिश्वत देना शुरू करते हैं. हालांकि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए किसी को भी. लो प्रोडक्टिविटी इन पब्लिक सेक्टर एंड ह्यूज लॉसेस. प्रोडक्टिविटी जो पब्लिक सेक्टर में है वो बहुत कम हो जाती है. जैसे इंडिया में बहुत सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो बंद की गई क्योंकि वहाँ बहुत लॉसेस हो रहे थे. उन्हें सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे मैक्रो में. एंड ह्यूज लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस भी कई बार गवर्नमेंट को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर लोग सोना पसंद करते हैं, काम करना थोड़ा कम पसंद करते हैं, क्योंकि आराम की नौकरी चाहिए सबको. मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एंड आइडियल सिस्टम फॉर ग्रोथ. अ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एंड आइडियल सिस्टम क्या है? क्या मिक्स इकोनॉमिक ही आइडियल सिस्टम है कि नहीं, ये देखते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एंड द आईपीआर जिसे हम कहते हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन विद डेमोक्रेसी टू अचीव हायर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ. तो हमारे देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई, उसमें जो रेजोल्यूशन दिया गया है उसके हिसाब से, और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे देश के, एक तो आपके राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के संविधान में, उसके हिसाब से दोनों ही पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट जो सेक्टर है, लोगों के इंडिविजुअल सेक्टर है, वो देश के लिए काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा यानी उत्पादन करेगा विद डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी यानी कि आपके प्रजातंत्र या जनतंत्र के हिसाब से, मतलब सबको आजादी होगी, सबको ढंग से अधिकार होंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे टू अचीव हायर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और ग्रोथ भी बढ़ सके. अच्छा, ये किया क्यों डायरेक्टली उन लोगों ने, ऐसा क्यों किया प्राइवेट सेक्टर को? देखिए, हमारा देश 200 साल तक अधीन रहा, परतंत्र रहा, हमारे देश को ब्रिटिश ने कंट्रोल कर रखा था, स्लेव बना रखा था, एनस्लेव कर रखा था. हमें आजादी मिली उसके बाद हमारा देश बहुत ही बुरी स्थिति में था उस समय. मतलब हमारा लोगों से लेकर, संसाधन से लेकर, ट्रेड इंडस्ट्री सब कुछ बर्बाद थे, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी, ठीक है. अब ऐसे देश को उभारने के लिए, जल्दी से उभारने के लिए ये पॉलिसी बहुत जरूरी थी, ताकि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़े और हम ग्रोथ बढ़ा सकें, इसलिए पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया.